सवे भवन्तु सुखिन। आरती है मात मेरी पर विशेष। भाग -22। लेख का उद्देश्य आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु सत्कर्म करने हेतु प्रेरित करना है। छाया है चारों तरफ अंधियारा, पकड़ के ज्योति दिखा दो रास्ता। अंधेरा तीन तरह का है, एक सांसारिक अंधकार, दो आंतरिक अंधकार, तीन आध्यात्मिक अंधकार। अंधकार तामसिकता का प्रतीक है और प्रकाश सात्विकता का प्रतीक है। सांसारिक अंधकार सूर्य के अस्त होने पर होता है। आंतरिक अंधकार तामसिक कर्मों के कारण रहता है, ज्ञान के अभाव के कारण आध्यात्मिक अंधकार रहता है। जैसे अंधेरे में यात्रा के दौरान एक जलती हुई मशाल यात्रियों का पथ प्रदर्शन करती है, तो उसी तरह अदृश्य शक्ति का अनुपम उपहार ज्ञान की ज्योति, जो गुरु की वाणी के माध्यम से शिष्य के कानों तक पहुंचती है। गुरु प्रदत्त ज्ञान की ज्योति ही वह ज्योति है जो शिष्य साधक का पथ प्रदर्शित करती है, जो ज्ञान की रोशनी में सही दिशा में चलता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो विपरीत दिशा में चलता है वह भटकता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधेरे से तात्पर्य अज्ञान, अविद्या, तामसिकता, मृत्यु से है, यानी कि जो नश्वर परिवर्तनशील अनित्य को नित्य शाश्वत मानकर तामसिक कर्म करता है वह अंधेरे में है। इसीलिए प्रार्थना की है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा मृत्युगमय। ज्योति भी तीन तरह की है, एक प्राकृतिक कृत्रिम ज्योति, दो आंतरिक ज्योति, तीन आध्यात्मिक ज्योति। प्राकृतिक कृत्रिम ज्योति सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत बल्ब आदि की होती है। आंतरिक दिव्य ज्योति का संबंध निष्काम सत्कर्म से है। एक प्रसंग है, एक साधु ज्योति साधना करता था। एक दिन उसे ज्योति के स्थान पर एक लड़की दिखी। उस दिन साधना ढंग से नहीं हुई। दूसरे दिन साधु अपने गुरु के पास गए, समस्या बताई कि ध्यान में ज्योति के स्थान पर एक लड़की दिखाई दी थी। गुरु ने कहा कि तुमने कल भोजन कहाँ किया था, मुझे वहाँ लेकर चलो। ज्ञात हुआ कि एक सेठ ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी लड़की को बेचकर कर्ज चुकाया था और उसी पैसे से भोजन करवाया था। सेठ की लड़की ही साधु के ध्यान में आई थी, अतः तामसिकता साधना को भंग कर देती है, चाहे वह तामसिक आहार हो अथवा तामसिक पेय पदार्थ हो अथवा तामसिक कर्म हो। आंतरिक दिव्य ज्योति, गीता में आंतरिक दिव्य ज्योति को हजारों सूर्य के प्रकाश के सदृश बताया गया है, जो कि शीतलता शांति प्रदान करने वाली है। ज्ञान के अनुसार आचरण करने पर ही ध्यान के दौरान दिव्य ज्योति दिखाई देती है। अंतर में सामान्य ज्योति तो विज्ञान के नियम के अनुसार जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, चंद्र, तारे, बल्ब के प्रकाश को कुछ समय एकटक निहारने के अभ्यास के द्वारा तामसिक और सात्विक दोनों ही अल्प समय में देख सकते हैं, लेकिन हजारों सूर्य के प्रकाश के सदृश महाज्योति के दर्शन तो निष्काम सत्कर्मी को ही होते हैं। आध्यात्मिक रूप से ज्योति से तात्पर्य ज्ञान से है, सात्विकता से है, सत्य से है, मुक्ति से है। अविद्या, अज्ञान, तामसिकता के कारण ही मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन जब मनुष्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए असत्य से सत्य में समाहित हो जाता है, तामसिकता से निष्काम सात्विकता में समाहित हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य का मृत्यु से अमरता की ओर गमन हो जाता है। ऐसे मनुष्य जन्म मरण के चक्र के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लगातार -23।